हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं इतने दिन तक आप लोगों से शेयर नहीं किया था। और अभी जाके ना मुझे ये लगता है कि नहीं, ये आप लोगों का जानने का हक है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मैं जब ओपन आया था एज ए सोशली, एज लाइक किसी की वाइफ, किसी की लाइक गर्लफ्रेंड, जो भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आप लोग साथ थे उस टाइम पे, आप लोगों ने साथ दिया, तो क्यों मेरा ब्रेकअप हुआ। तो आज का वीडियो गाइज रिलेटेड है मेरे लाइफ स्टोरी के ऊपर, लाइफ स्टोरी लाइक मेरा ब्रेकअप स्टोरी बोल सकते हो उसको, तो मेरे ब्रेकअप स्टोरी के ऊपर। मैं बस इतना, मैं यहाँ पे किसी को ना ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना मैं यहाँ पे कुछ भी लाइक ऐसा बोल रही हूँ कि हाँ तुम्हारा ही गलती है तुम, नहीं। बस मेरा इतना है, मैं बस अपना पॉइंट रख रही हूँ चीज़ें। और सच बताओ गाइस, अभी मैं मूव ऑन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे पास्ट के वजह से मेरा प्रेजेंट पे असर पड़ रहा है। लाइक होता है ना, मैं इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के विद प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर करूँगी। बिकॉज कोई भी आके मुझे एक गलत कमेंट करता है ना, तो मेरे दिल पर लगता है, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं आप हमारे फैमिली हो, है ना। तो अगर मेरा फैमिली आके मुझे क्वेश्चन पुट अप करता है, तो मेरा वो जिम्मेदारी है कि मैं आपका वो क्वेश्चन क्लियर करूँ। तो कहीं ना कहीं इस वजह से, और गाइज आई थिंक ये जो वीडियो है ये थोड़ा आई थिंक सीरीज़ में आएगा, या फिर दो तीन वीडियो बनेगा। और अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा बोल रहे हो कि आके हाँ जाके बोल रहे हो कि मेरे नाम का कंटेंट बना रहे हैं, मेरे नाम का, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका कंटेंट बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से मेरा लाइफ जुड़ा है। मैं किसी के यूट्यूब में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब में, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के, मैं कभी उन लोगों को लेके कंटेंट कभी नहीं बना। क्यों बनाऊँ? क्योंकि मेरे लाइफ में वो चीज़ें आती ही नहीं है, है ना। तो इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी के नाम को लेके कंटेंट बना रही हूँ, किसी नाम को लेके पैसा कमा रही हूँ, तो ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। बिकॉज मेरा लाइफ जुड़ा है। कहीं ना कहीं आप अगर सोच रहे हो कि मैं आपके नाम का कंटेंट खा रही हूँ या कुछ भी चीज़ें कर रही हूँ, तो उस लाइफ में मेरा लाइफ भी जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा 100% राइट बनता है कि मेरे लाइफ से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों को साथ शेयर करूँ, और ये मैं 100% करूँगी। बिकॉज जब हम ओपन आए थे एज ए सोशली, हस्बैंड वाइफ जब शादी करके ओपन आए थे, चीज़ें एलजीबीटी कम्युनिटी, एक बच्चे की माँ ने एक टॉम बॉय के साथ शादी करके कैसे रह रहा है, बिकॉज वो चीज़ें भले ही किसी के लिए मैटर करे या ना करे, बट एक बच्चे की माँ के लिए बहुत मैटर करता है। बिकॉज उस माँ के साथ साथ उसके बच्चे की फ्यूचर भी जुड़ा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं वैसा एक ट्रस्ट होता है, तभी वो जाके ये चीज़ें ओपन अप करते हैं, आगे जाके बढ़ते हैं। बिकॉज कभी भी इन पास्ट मैं यहाँ पे कभी ये नहीं बोल रही हूँ मैं ऐसे ना कोई दूध की धूली हूँ। मेरे पास में भी मेरे एक्स थे, टॉम बॉय के साथ ही मेरे रिलेशनशिप थे, बट कभी मैंने सोशली उसको ओपन नहीं लाया, ठीक है, कभी नहीं। इन पास्ट में उस टॉम बॉय ने भी मुझे चीट किया, तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो गए। वो इतना झमेला हुआ ही नहीं था। क्यों? बिकॉज अब जाके जब ये सोशली ओपन चीज़ें हैं, ऑब्वियसली अगर हम एक सोशली पब्लिक फिगर में आ जाते हैं चीज़ें, तो लोगों को अगर शुरू से हमारा चीज़ें देख के आते हैं, तो उनको हक है जानने का कि चीज़ें क्यों बिगड़ा, क्या गलती था, क्या रीज़न था। तो वो गलती क्या था, वो रीज़न क्या था, वो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ जो जो चीज़ें हुआ है, जो जो चीज़ें मैंने फेस किया है, मैं वो बोलूँगी। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि हाँ ताली एक हाथ से बजता है, बट गाइस जब ताली दोनों हाथ से बजता है ना, तो दोनों हाथ ही हमारे ही होते हैं, किसी और के हाथ को लेके हम ताली ऐसे करके नहीं बजा सकते, है ना। तो ये कहावत जो है वो ठीक ही है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजता है, तो ताली हम दोनों हाथों से ही बजाते हैं। खैर, तो अब चले जाते हैं कि झगड़े का हम लोग का स्टार्टिंग। अब जब इंसान होता है ना, एक ही घर में रहते हैं, तो बर्तन भी बचते हैं। आपने कहावत सुने होगा, बर्तन भी बचते हैं। तो कभी ना कभी हस्बैंड वाइफ जब रहते हैं, उनके बीच में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत बहुत कुछ झगड़े होते हैं। देन मेरा ये कहना है, अगर किसी के साथ भी ब्रेकअप हो रहा है, चीज़ें हो रहा है, अगर तुम्हें म्यूचुअली ब्रेकअप चाहिए, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, जो भी चीज़ें तुम मुझसे क्लियर करो, करने के बाद दैट्स इट, ओके मुझे नहीं ये हुआ वो डाइजेस्ट, इट्स ओके। बट गलत वहाँ पे है कि तुम एटलीस्ट यहाँ पे म्यूचुअली बोल के फिर जाके मेरे नाम का बदनाम कर रहे हो, तो मैं उस चीज़ को तो डाइजेस्ट नहीं करूँगी ना,
क्योंकि तुम मेरे सामने कुछ अलग रहते हो, जब सोशली जब चीज़ें आता है तब अलग रहते हो, जब तुम्हारे लाइफ पार्टनर हो कुछ भी चीज़ें हो तब तुम वहाँ पे अलग हो जाते हो। तो ये चीज़ें बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को सुधारोगे तो आई थिंक फ्यूचर में बहुत आगे जाओगे। एंड देन कोई कोई बोलता है कि सच्चाई की मूर्ति, सच्चाई की देवी। हाँ मैं हूँ, मुझे झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज झूठ बोल के फ़ायदा क्या है? इंसान कब झूठ बोलता है? जब उसको लगता है किसी चीज़ को खो देगा उसके गलती की वजह से, जब इंसान को लगता है कि हाँ, इंसान के दिल में जब लालच रहता है ना तब इंसान झूठ बोलता है। शॉर्ट फॉर्म में इंसान के दिल में जब लालच होता है तब जाके इंसान को झूठ बोलता है। बट मैंने अपने दिल में कभी लालच पाल के नहीं रखा है। क्यों पालना लालच? इसलिए मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जो भी चीज़ अगर मैं गलती भी करती हूँ तो भी जाके आपको या किसी को, जो भी हो मेरे सर्कल में जो भी चीज़ हो, मैं जाके बोलती हूँ हाँ मेरा गलती है, सॉरी, मैंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ उन चीज़ों को। बट जब चीज़ें आता है कि आप माइंड गेम मेरे साथ खेल रहे हो, खेलने के बाद फिर आप जाके मेरे नाम का बदनाम कर रहे हो, तो उस चीज़ में मैं तो स्टैंड लूँगी ना। इसलिए नहीं कि मैं आपसे बहुत यू नो फ्लैटिंग वाला प्यार करती हूँ, मर जाऊँगी प्यार के बिना, आपके बिना मैं जी नहीं सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइफ में कोई किसी के लिए नहीं मरता है, ठीक है? प्यार इंसान से तभी होता है जब उसका बिहेवियर सामने आता है ना। आप इंसान ना ऐसे फेस देख के प्यार नहीं करता कोई किसी से। वो अगर इंसान फेस देख के प्यार करता है ना तो वो अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं होता है। और जहाँ तक रही अट्रैक्शन की बात, वो बस कुछ टाइम के लिए होता है। और अगर आप किसी इंसान के बिहेवियर से प्यार करते हो तो आप लाइफ लॉन्ग करोगे उनसे प्यार। प्यार का मायने ये है। खैर मैं यहाँ पे प्यार का लेक्चर झड़ने ही आई हूँ गाइस, बस इतना ही क्लियर करने आई थी। तो ये मेरा जो ब्रेकअप का सीज़न बोल सकते हो, ब्रेकअप का सीज़न है, वो शुरू हुआ है 2023 और अप्रैल महीने से शुरू हुआ है। क्योंकि 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत अच्छा गया, देन मार्च के सेकेंड वीक से हम लोगों का इतना प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं होता है। देन मार्च अप्रैल को आप सभी को पता है कि हाँ मेरा जो एक्स था वो अपने गांव चला गया था। तो क्यों गया था? जस्ट बिकॉज उस टाइम पे हम लोगों का फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा था। सेकेंड, मेरा क्लासेस अरेंज करने के लिए वहाँ पे गए थे, जहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि रामपुर गया था, तो मेरे क्लासेस अरेंज करने के लिए गए थे। देन वहाँ पे मेरा क्लासेस अरेंज करने के लिए गए थे और डॉक्टर दिखाने के लिए गए थे। क्यों? बिकॉज हाँ, मुझे इतना बोला था कि अनु मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है, बहुत दिन हो गए, लगभग एक साल तक, तो मुझे डॉक्टर से भी कंसल्टेशन करना है। तो मैंने इट्स ओके, चले जाओ, अच्छी बात है। बट वहाँ पे जाके तो उस टाइम पे दोनों साथ नहीं जा सकते, बिकॉज उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो चला गया और मैं यहाँ पे रह गई। और आप लोगों को पता ही होगा कि एक साल से, जब से मैं सिलीगुड़ी शिफ्ट हुई हूँ, तब से मैं सिर्फ फ्रीलांस कर रही थी, मैं कोई जॉब नहीं कर रही थी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, पैसा भी बहुत मैटर करता है गाइज, बहुत मैटर करता है। अगर दोनों लॉयल हो तो पैसा मैटर नहीं करता, अगर दोनों में से एक के दिन में लालच होता है तो ऑब्वियसली पैसा बहुत मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे रह गई, देन मेरा एक्स चला गया रामपुर जाने के बाद। तो फिर उस टाइम पे मैंने, उस टाइम पे भी झगड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है उस टाइम पे भी झगड़ा नहीं हुआ था। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने बोल के गया, तुम अगर मुझे लेने नहीं जाओगे तो मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने बोला, मैं भी गुस्से में थी, मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा लेने के लिए, तुम आ जाना बस, मैं नहीं जाऊंगा, तुम इतना झगड़ा करते हो, मुझे नहीं जाना है हर छोटी छोटी चीज़ को लेके। तो झगड़ा क्यों होता है, क्यों नहीं होता, मैं उस चीज़ को ओपन अप नहीं करूंगी। तो हर फैमिली में झगड़ा होता है, आपको पता ही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो वो इंसान चला गया था, मैंने उनको ये बोला था कि तुम घर जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। क्योंकि ऑब्वियसली एक पति पत्नी को अपने हस्बैंड का वही चीज़ें तो देखना है ना, एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, अपना डॉक्टर दिखाना एंड फैमिली को टाइम देना। तो घर जाने के बाद मैंने उनको ये बोला था कि देखो, घर पे अपने माँ बाप को टाइम दो, भाई को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, मैं फ़ोन पे 24 घंटे नहीं लगी रहूँगी, तुम बस टाइम स्पेंड करना। तो ऐसे कभी झगड़ा, कभी यू नो कभी अच्छा। तो
ऐसा नहीं है कि मेरे एक्स के साथ उस टाइम पे ऑब्वियसली पति था, तो पति के साथ उस टाइम पे मेरा यू नो टोटली कनेक्ट बंद हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे करके कभी झगड़ा होता था, देन शॉर्ट आउट होता था, देन झगड़ा होता था, देन शॉर्ट आउट होता था, बिकॉज उस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस में थे। देन आप लोगों को बोला गया कि अनु चली गई थी चेन्नई मुझे ने बिना बताए, तो वो चीज़ें तो मैंने आप लोगों को प्रूफ दे ही दिया कि मैं बिना बताए नहीं गई थी, मैं बाकायदा बता के गई थी। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इतना लंबा चौड़ा चीज़ें नहीं करूँगी, बस मैं कुछ कुछ स्क्रीनशॉट है मैंने लिया था उस टाइम पे, तो मैं वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट है 6 जुलाई को, ठीक है, 6 जुलाई को, 6 जुलाई 2023। आप टाइम वहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या हुआ, वांट यू, मैंने रिप्लाई दिया नाउ। वो उस टाइम पे रात के बज रहे थे 12, मतलब लगभग 1, तो ऑलरेडी मैं उस टाइम पे चेन्नई में थी, चेन्नई मतलब आंध्र प्रदेश राजमंड्री में थी मैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं जॉब करती थी, सुबह 11 बजे से मेरा 9 बजे तक शिफ्ट था, 8-9 बजे तक शिफ्ट था। बकायदा मेरा क्लाइंट होता था तो मुझे कभी कभी 11-12 भी बज जाता था स्ट्रेटनिंग एट ऑल, बिकॉज वहाँ पे सब मेरे, मैं वहाँ पे सबसे सीनियर थी और मेरे नीचे कम से कम 9-10 स्टाफ रहते थे, मुझे उनको देखना होता था एज अ लाइक सैलून मैनेजमेंट भी बोल सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं उस चलते मैं बहुत थकी रहती थी, क्योंकि होता है कंपनी का टारगेट पूरा, अगर कोई मुझे इतना पे आउट कर रहा है तो उसका काम भी तो वैसे ही होगा पूरा, लाइक यू नो पूरा थक जाती थी सुबह से लेके शाम तक काम काम काम। तो फिर बस इतना है, तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज़ का सैलरी ले रहे हैं तो उसका काम भी करना पड़ेगा। तो मैं बहुत बिजी रहती थी, उस बीच में भी मैं मैसेज करती थी, वो कॉन्वर्सेशन होता था, जो कि ये 6 जुलाई की मैं वो हो गया ना, अप्रैल मई जून, ये 3 महीना मैंने आप लोगों को नहीं शेयर किया। देन क्योंकि उन 3 महीना हम लोगों का ऐसे ही चल रहा था, कुछ खट्टा कुछ मीठा ऐसा कुछ चल रहा था। तो ये चैट मैं इसलिए आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये नहीं कि मैं कितना प्यार, जस्ट बिकॉज हम लोगों में जो बॉन्ड था ना, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देन ये है आपका 9 जुलाई का, 10 जुलाई में जो होटल वाला किस्सा हुआ, ये 9 उसके ठीक पहले दिन की चैटिंग है। तो उन्होंने कुछ बोला था मेडिसिन, क्योंकि वो बीमार था उस टाइम पे, मुझे ऐसा बोला गया था वो बीमार था। अब मुझे रियलिटी तो पता नहीं है जो भी चीज़ है, तो मैंने पूछा, डॉक्टर दिखाया, आप लोग देख ही रहे होंगे, मेडिसिन ले रहा हूँ, बिकॉज मैं फ़ोन कर रही थी और मेरा फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा था, कट कर दे रहा था। ठीक है, मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप में फ़ोन कर रही थी, मेरा फ़ोन कट कर रहा था। तो फिर मैंने बोला, मेडिसिन लिया, डॉक्टर दिखाया, तो बोला बारिश हो रहा है, मतलब तुमने डॉक्टर को अपॉइंटमेंट नहीं लिया, बोलो। मैंने क्वेश्चन किया, मैं गया, फिर मैंने पूछा डॉक्टर क्या बोला, बोलो, क्योंकि वो लूज़ मोशन हो रहा था। फिर उन्होंने बोला था कि मुझे ब्लड टेस्ट दिया है, मुझे क्या अल्ट्रासोनोग्राफी दिया है। तो बोला ओके, अल्ट्रासोनो और ब्लड टेस्ट, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अल्ट्रासोनो और ब्लड टेस्ट। तो मैंने बोला कॉल मी, कॉल करो, उस टाइम पे शाम के 5:30 बज रहे थे, कॉल मी, आई विल वेट। उन्होंने बोला आई विल वेट अभी, तो मैंने बोला अभी कॉल करो, बोला अभी नहीं कर सकता। मैंने बोला, फिर मैंने कॉल किया था उनको, तो वो कॉल भी रिसीव नहीं किया। मैं बोला रुको यार, अब फ्री हुआ, मैंने फिर बोला 6 बजने आ रहा, क्योंकि मुझे जाना था कि उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है। वो बोला रुको, तब भी फ्री नहीं हुआ, मतलब। तो फिर उन्होंने बोला ब्लड टेस्ट वगैरह दिया है 9 जून के, क्या बात है। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, मैंने जब बोला अभी भी फ्री नहीं हुए, तो मैंने तुम्हारे अकाउंट में 1000 सेंड कर दिया, ये पैसे की कुछ बातें हैं। उसने बोला इतना पैसा लगता है ब्लड टेस्ट का, ओके अंडरस्टैंड, अल्ट्रासोनो अलग से कितना, फिर डॉक्टर को दिखाना 500 रुपये दवाई खर्चा।
बिकॉज उस टाइम पे मैं कमा रही थी ना, आप लोग बोलते हो ना तुम कमाने चले गए, तो मैं वहाँ पे कमा रही थी, घर के लिए ही कमा रही थी। घर का रूम रेंट देना था, मेरा लोन लिया हुआ था, मेरा स्कूटी का लोन लिया हुआ था, इवन जो ये इंसान घर पे रह रहा था इनका दवाई खर्चा। बिकॉज मुझे उस टाइम पे था कि यूट्यूब से उतना वो नहीं आ रहा था, वो मुझे नहीं पता वो यूट्यूब का मनी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और मैं उसको वो भी मेरा इतना है, मैं इतना इतना कमा रही हूँ बाहर, तो ऑब्वियसली मैं तो अपना घर देखूंगी। इतना एक साल तक उसने मुझे देखा है ना, बिकॉज मैं फ्रीलांस तो उतना करती भी नहीं थी, घर पे रहती थी, ब्लॉगिंग करना, रील बनाना, जो भी चीज़ें, मैं इन सारी चीज़ों में जुटी हुई थी, मैं अपना काम नहीं कर रही थी जो कि प्रोफेशनली मेरा जो काम है, तो वो चीज़ें मैं नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे था कि हाँ, मुझे ये इंसान एक साल तक मुझे पुश किया, एक साल तक मुझे बहुत एफर्ट्स दिया कि अनु तुम ये करो तुम वो करो, हाँ मैं नहीं कर पाई, वो मेरी गलती है कहीं ना कहीं, हाँ शायद मैं उन चीज़ों में नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को चलते मैंने बोला इट्स ओके, देन वो मेरा हक बनता है कि अगर हस्बैंड वाइफ है, एक को अगर एक डाउन हो रहा है तो एक उसको उठाए, अगर दूसरा डाउन हो रहा है तो वो पहला उनको उठाए, तो दोनों से ही गाड़ी चलता है गाइस, ऐसे नहीं चलता है। मैं यहाँ पे सच बताऊँ, ये सारी चीप चीज़ है ना, मैं दिखाना भी नहीं चाहती थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये था कि नहीं, और कितना नीचे गिराएगा मुझे, मैं इतना नीचे गिर गई, इतना अब तो मुझे लाइक कोई भी आके अरागर ऐसा करके बोला हाँ ये तो आई नहीं, रस्तों की बीमार था, ये तो आई नहीं, ये अपने घमंड में थी। अगर मैं पैसा भी कमा रही थी तो घर के लिए, बिकॉज मैं उस टाइम पे हाउसवाइफ ही बोल सकते हो, उस टाइम पे थी, और कहीं ना कहीं जब मुझे लगा कि नहीं पैसों का प्रॉब्लम आया है तो मुझे उन सारी चीज़ को करना था, तब जाके मैं ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये चीज, अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये सारी चीज़ें प्रूफ होगा एक टाइम पे जाके। ओके, तो ये मैसेज तो आप लोगों ने देखा ही है जुलाई का, ठीक है, जुलाई के 9 जुलाई का चीज़ें है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। सिक्स जुलाई का चीज़ें हैं, 6 जुलाई, देन 9 जुलाई पूरा दिन, मतलब जो होटल वाला किस्सा हुआ था उसके पहले के दिन, मतलब 10 जुलाई को ऐसा हुआ 2023, एंड 9 जुलाई 2003 में उन्होंने मुझसे बात किया, बात करने के बाद ये सारी चीज़ें हुआ। फिर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहती हूँ, वो स्क्रीनशॉट है, तो गाइज ये है जुलाई, 6 जुलाई का जो कमेंट्स है, मैं 6 जुलाई का जो चैट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये 6 जुलाई का वो था, ये बहुत पहले की, यहाँ पे जो अभी लिखा हुआ है इसको इग्नोर करो गाइज, बिकॉज ये उस टाइम की थी, ठीक है, जब चीज़ें झगड़ा जो मैसअप हो रहा था उस टाइम पे। तो ये 6 जुलाई को जब मैं आंध्र प्रदेश, जब मैं काम कर रही थी, बोला ना कि मुझसे बिना बताए काम पे चले गए, तो मैं जब काम में थी राजमंड्री पे, तो 6 जुलाई का ये मैसेज है, मेरा ऐसा काम हो जाता है आजकल, ऐसा काम लाइक मैंने टमाटो के बारे में पूछा था उस टाइम पे, यही टॉपिक पे बात हुआ था, तो वो बोला बहुत महंगा चल रहा है, मैंने बोला हाँ बहुत महंगा चल रहा है कोई बात नहीं, तो उन्होंने ऐसे कुछ ऐसा बोला था आजकल हो जाता, तो मैंने उस टॉपिक में मैंने उनको बोला घर का राशन उठा लेना इस बार, सिटी सेंटर पर चले जाना, क्योंकि सिटी सेंटर पर स्पेंसर है तो वहाँ पर चले जाना। तो उनका रिप्लाई ये आता है, 1 रुपया भी नहीं है, नहीं अब, तो मैंने बोला रुक जाओ मेरा सैलरी आने दो, क्योंकि मेरा सैलरी 10 को होता है, सैलरी आने दो। तो फिर उसने पूछा गैंगटॉक जाना है मुझे, जुलाई को बोला था गैंगटॉक जाना है मुझे, तो मैंने बोला कब, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था। तो जब वो मैंने पूछा कब, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन मार्क डाला, तो 16-17 में, मतलब जुलाई के 16-17 तारीख को उसको जाना था गैंगटॉक। मैंने बोला पूछा उस टाइम पे कौन कौन, तो बोला मेरा पीरियड के बाद बस मैं, मुझे जब मैंने बोला कौन कौन तब मुझे आंसर दिया गया बस मैं, तो मैंने बोला ओके चले जाना, मैंने बोला चले जाना, बिकॉज मुझे भी ये था कि बेचारा अकेला वहाँ पे क्या ही कर रहा होगा, तो अगर बाहर घूमेगा भी तो मोटो ब्लॉग करेगा, मैंने बोला भी मोटो ब्लॉग कर लेना, कहाँ का एक्सप्लोर किए हो ये भी चीज़ें लाना ब्लॉग में, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना, घर पे बैठ के तो कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने बोला हाँ चले जाना। तो वो ना पैसे 10K मेरे जाने का, 10,000 जाने के लिए मुझसे मांगा था, ठीक है, और मैं
मैंने दे भी दिया था वो रुपए का, मैं वो भी वो दे दे रही हूँ, क्योंकि मुझे सच बताओ ये सारे शेयर करना मुझे इतना चीप लग रहा है ना, इतना चीप लग रहा है। क्योंकि आज तक मैंने किसको कितना पैसा दिया, क्या नहीं दिया, कभी भी मैंने वो चीज़ें ना शो ऑफ नहीं किया इंसानों को। इंसान बोलता रहता ना, तो अब ना अब डाइजेस्ट नहीं है उन सारी चीज़ों में, कभी नहीं। क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब का मनी आता था 15 या 16 तारीख को, ऐसे इस टाइप का, मतलब 10 तारीख के बाद ही आता था। तो मेरे पास जब बोला कि हाँ वो घूमने जाएगा, उस वजह से उसको 10,000 रुपये ज़रूरत था, तो मैंने ओके बोल दिया कि चलो ठीक है ले जाना। एंड मैंने दिया भी था, 9th की रात को मैंने वो अमाउंट मैंने पे भी किया था। तो उसने बोला सॉरी बच्चा, तो मैंने ऐसा करके क्वेश्चन किया मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है। तो जब ये मैसेज आप लोग देख रहे हो 6 जुलाई को है मैसेज सॉरी बच्चा, तो मैंने ऐसा करके क्वेश्चन क्यों सॉरी बोला मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि अब जाके मुझे ये मैसेज जब मैं देखती हूँ तब मुझे समझ में आ, उस टाइम पे इसलिए सॉरी बोला था क्योंकि उसको गिल्ट हो रहा था कि वो मुझे लिटरल तब से चीट करके आ रहा था। दैट्स इट। देन वहाँ पे लव यू अनु, ओके क्या था ये? तो मैंने बोला सॉरी बच्चा बोलता फिर लव यू, तो मैंने खुद कन्फ्यूज में आकर क्या था ये। तो बोला वो ना जाने क्या ही था, खाना खाया? मैंने बोला नहीं अभी आई, अभी आई, उस टाइम पे 10 बजे में आई थी, कुछ खा लो ना। तो मैंने बोला हाँ खाऊंगी। तो उस टाइम 6 जुलाई का कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसा हुआ था गाइस, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे चीट किया जा रहा था। अगर मुझे पता होता तो मैं उस टाइम पे हट जाती है ना, इतना बवाल खड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत हो गया गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम, ये हो गया मेरा ब्रेकअप स्टोरी पार्ट 1। तो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।